जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैलियों का इंतजार कर रहे युवाओं का यह इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं सेना भर्ती रैलियों को लेकर, उसके अनुसार इसी माह की 31 मई या जून माह के पहले सप्ताह में सेना भर्ती रैलियों को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर एक पत्र भी सामने आया है जिसमें सेना भर्ती रैलियों का शेड्यूल जारी करने व अगस्त से दिसंबर माह के बीच तमाम सेना भर्ती रैलियां करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर वो युवा अभी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं जिनका एग्जाम अभी पोस्टपोन चल रहा है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम इन तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप एग्जाम को लेकर परेशान बिल्कुल न हो। आपको करना ये चाहिए कि आप परेशान होने के बजाय अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम को लेकर भी बहुत जल्द जानकारी सामने आ सकती है। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि सेना भर्ती रैली शुरू होने से पहले एग्जाम कराया जाएगा। यानी जो एग्जाम अभी पोस्टपोन चल रहा है, पहले वो एग्जाम होगा, उसके बाद सेना भर्ती रैलियां शुरू होंगी। इसलिए आप सभी युवा परेशान बिल्कुल न हो, अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और तैयारी आपने अगर की हुई भी है तो भी आप एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कितने इंतजार के बाद आपकी परीक्षा होने जा रही है, इस दौरान आप कितने परेशान हुए हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आप यह भी जानते हैं कि जितने युवा इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे वो तमाम युवा फौजी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इतनी वैकेंसी ही नहीं है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि जो जितनी अच्छी तैयारी अपनी कर लेगा उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस मेरिट में आने के बन जाएंगे। यानी तो अब आप इसको लेकर खुद सोच लिए कि यह एग्ज़ाम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सभी युवा उन फालतू की बातों को दिमाग से निकाल कर आज से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और जो युवा नई सेना भर्ती रैली में शामिल होंगे उन्हें भी बता दें कि आपके लिए भी चैलेंज कुछ कम नहीं होने वाला। 300, 350, 400 बच्चों के बीच में दौड़ पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी मेहनत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो फिर आपको वहाँ रोक भी कोई नहीं सकता। इसलिए अपने आप को इस बुरे दौर से बाहर निकालिए, नेगेटिव सोच खत्म कीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाएं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बार फिर से खड़े हो जाएं। और अब बात करें उन युवाओं की जो युवा ओवर एज हो चुके हैं, तो देखिए उन युवाओं के लिए अभी परेशानी कम नहीं हुई है। जो युवा सेना भर्ती के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं और सेना भर्ती समय पर नहीं होने से अब वो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि उम्र में छूट को लेकर अभी तक की खबरों को देखते हैं तो इसकी उम्मीद कुछ कम ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर जिस तरह कुछ लोग उम्र में छूट की मांग को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं, अगर वो लोग समय रहते उम्र में छूट की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर उम्र में छूट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो कारण बताकर कोरोना को लेकर जो सरकार ने कारण बताया है सेना भर्तियों पर रोक का, समय पर भर्तियां नहीं कराई गई, वो कारण तथ्यात्मक रूप से सही साबित नहीं हो सकता। एक छोटा सा सवाल ही उठाकर आप देख लो कि जब देश में दिसंबर 2020 में करीब 50,000 कोरोना के केसेज 24 घंटे में आ रहे थे, उन दिनों में कोर्ट द्वार में लैंस डाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सेना भर्ती कराई गई थी, और इस भर्ती से पहले भी जब हालात कोरोना को लेकर और भी ज़्यादा खराब थे, तब भी सेना ने पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना में सेना भर्ती कराई थी। अगर कोरोना का खतरा इतना ही था तो फिर तब उस समय में ये भर्तियां कैसे कराई गई। और इसके बाद तो कोरोना को लेकर देश में हालात काफ़ी सामान्य हो गए, फिर भी भर्ती पर रोक रही है। और देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर हमने एक तथ्यात्मक पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वह वीडियो देखकर भी वहां से कुछ इम्पोर्टेंट डाटा, कुछ सवाल उठाकर जो याचिका आप कोर्ट में दायर करने वाले हैं उस याचिका में उन सवालों को मेंशन कर सकते हैं, जो युवाओं के हित में काफ़ी मददगार साबित होंगे। बस आखिर में आप सभी से यही कहना है कि जिन युवाओं के पास में मौका है, चांस है, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और जो लोग कोर्ट जाने के लिए बातें कर रहे हैं, जिन लोगों ने कोर्ट जाने के लिए फाइलें भी तैयार की हैं, तो उन लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सकता है जल्द से जल्द कोर्ट में याचिका दायर करें, क्योंकि अगर
सेना की ओर से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, भर्ती रैलियों का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और जो नोटिफिकेशन सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, अगर वहाँ पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी होता है और वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया भी उस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाता है, जिस तरह से अभी तक होता आ रहा है वैसे ही कर दिया जाता है, युवाओं को उम्र में छूट नहीं दी जाती है, तो फिर युवाओं के लिए यहाँ पर मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोर्ट में इन तमाम मुद्दों को लेकर याचिका दायर करें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।